नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। जिले में एक बार फिर मीडिया की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया है और यह घृणित कार्य भाजपा के सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने कराया है। सबसे पहले तो ये बता दें कि विराट 24 न्यूज की आवाज दबाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। विधायक, तेरे इस घृणित कृत्य से हम नहीं डरने वाले हैं। सच्चाई और शोषित वर्ग के साथ विराट 24 खड़ा रहा है और हमेशा खड़ा रहेगा। भ्रष्टाचारियों को नंगा किया है और नंगा करता रहेगा। हम अपने दर्शकों को बता दें कि हुआ क्या। दरअसल विगत दिनों सेमरिया विधायक क्षेत्र के जरमोहरा तालाब में किसानों की खड़ी फसल नष्ट की गई। आदिवासी किसानों ने विधायक केपी त्रिपाठी के ऊपर फसल नष्ट करने का आरोप लगाया और विधायक की तुलना कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग से कर दी। आदिवासी किसानों की आवाज हम बने और उक्त खबर को प्रमुखता से दिखाया तो हमारी खबर से बौखलाए विधायक ने अपने गुंडों से हमारे न्यूज बैन पर उस समय हमला करवा दिया जब न्यूज बैन शहर में प्रचार प्रसार कर रही थी। न्यूज बैन का पीछा करते हुए स्विफ्ट कार सवार आधा दर्जन गुंडों ने पदधर कॉलोनी के पास न्यूज बैन पर हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए चालक और पत्रकार कॉलोनी में घुसे, जहां पीछा करते हुए गाड़ी को रोका और चालक और पत्रकार के साथ बेरहमी से पिटाई की। इतना ही नहीं, न्यूज वैन गाड़ी में लगी ईटीवी उपकरण और गाड़ी को पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। जिस समय यह बुजदिली वाला काम विधायक के गुंडों के द्वारा किया जा रहा था, उस समय यह धमकी दी जा रही थी कि अगर विधायक के खिलाफ दूसरी बार खबर चलाई तो जिंदा नहीं बचोगे। चालक और पत्रकार अपने आप को छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन विधायक के गुंडे लगातार उन्हें पीटते रहे। किसी तरह से भागकर मंदिर में घुसे, जहां उनकी जान बची, जिसके बाद पुनः गुंडे न्यूज गाड़ी के पास पहुंचे और जमकर तोड़फोड़ की, जिसके बाद वहां से भाग निकले। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस दोनों युवकों को बचाकर अस्पताल पहुंचाए और शिकायत पर अज्ञात गुंडों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वही पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद है, जिसके फुटेज के आधार पर तलाश की जा रही है। दरअसल सेमरिया विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के द्वारा पहले तो विधायक को शाहबुद्दीन कहा गया, जिसकी खबर विराट 24 ने दिखाई तो हमारी आवाज दबाने का प्रयास किया गया और जब हम नहीं डरे और क्षेत्र के लोगों की आवाज बनते रहे तो दर्शकों और पीड़ितों का हम पर विश्वास बढ़ा। एक बार फिर विधायक पर आरोप लगा कि जलमोहरा बांध में किसानों की फसल को नष्ट करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्थानीय लोगों ने विधायक की तुलना शाहबुद्दीन के बाद किम जोंग से करना शुरू कर दिया और कहा कि यह तालिबानी हो चुका है। तो गरीबों की आवाज विराट 24 बना और उनकी आवाज जन जन तक पहुंचाई तो बौखलाए विधायक ने न्यूज वैन और पत्रकारों पर हमला करवा दिया। एक बार फिर विधायक और उसके गुंडों को हम चेतावनी देते हैं कि तुम जितना भी घृणित कार्य कर लो, तुम्हारे इन कारनामों से हम डरने वाले नहीं हैं। हम सच्चाई उजागर करते रहे हैं और करते रहेंगे। जब तक हमारी जान है तब तक हम लोगों की आवाज बनेंगे और भ्रष्टाचार को यूं ही उजागर करेंगे। अगर तुम बहुत बड़े ईमानदार और समाज सेवी हो तो स्टूडियो में आकर सवालों के जवाब दो। कायरों की तरह कर्मचारियों और पत्रकारों पर हमला करवाने से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तुम जितना भी आवाज को दबाने का प्रयास करोगे, हमारे हौसले उतने ही बुलंद होंगे। जनता ने तुम्हें गुंडा कहा है और तुमने गुंडाई का सबूत भी पेश किया है। तुम्हारे पालतू कुत्तों की अगर पहचान हो गई हो तो उनके गले में पट्टा डलवाने के लिए विराट 24 एड़ी चोटी की ताकत लगाएगा। तुम्हारे दबाव में शासन और प्रशासन आ सकता है, लेकिन न्यायालय और जनता तुम्हें जवाब जरूर देगी। केपी त्रिपाठी, तुम्हारी कितनी औकात है ये तुमने भी दिखा दिया और हमारा कितना हौसला है तुमने देखा है और देखते भी रहना। आपके साथ मारपीट किया, क्या कह रहे थे लोग? हम लोग विधायक की तरफ से आ रहे थे सेमरिया से, और जैसे हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं चौराहे की तरफ, तो वहाँ पे गाड़ी लगा के 10-5 लोग ऐसे खड़े थे डंडा लेके और डायरेक्ट लाठी मारने लगे, तो लेके गाड़ी हम पधर कॉलोनी के अंदर घुसे रहे हैं और जितनी बार मारे हैं तो यही बोल रहे थे कि अगर विधायक की खबर अगर खबर चलाओगे तो तुमको जान से मार देंगे, गाड़ी जला देंगे तुम्हारी और तुमको भी जला देंगे। कितना मारे आप लोगों को? बहुत मारे हैं भैया, कम से कम नहीं तो 50 लाठी मारे पैर ही पैर में, घुटने में। कैसे जान बची? फिर जान कैसे बची? वहाँ मंदिर में जाके छिप गए थे हम लोग, भाई के हमारे सर फोड़ दिए हैं पूरा डंडा मार के। अब हम लोग पंडित दिए थे, वो हमको लुका लिए थे, हाथ बिनती जोड़ के हम लोग उनके यहाँ लुके हैं मंदिर में, नहीं तो हम लोग को जान से मार देते, गोली मार देते। बोले कि आप खबर चलाओगे तो तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारी गाड़ी भी जला देंगे। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार।